हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरा वीडियो है वो मेरे बेसिक जॉनरे से बहुत अलग है। इट इज अ पोएट्री जो मैंने खुद ने फील करी थी। सो इट गोज लाइक कि उस दिन मैं रैपिडो से घर लौट रहा था। मैं फोन पर बात कर रहा था और वो सुनकर उसने मुझसे ये पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी। मैंने पलट कर जवाब दिया कि गर्लफ्रेंड नहीं मगर प्यार बेशुमार है। थोड़ा अजीब है लेकिन जैसा भी है काफी हसीन है। फिर मैंने पलट कर उनसे पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ये बातें वैसे हम चलती हुई बाइक में कर रहे थे और वो ड्राइवर भी करीबन 24 से 25 साल का। उन्होंने पलट कर जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल है जनाब और बहुत सीरियस है वो उनके लिए। तो यूं ही सफर में चलते चलते कुछ बातें हो रही थी, फिर एक मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि मैं मजे सबके साथ करता हूँ लेकिन सीरियस बस एक के साथ। अम्मी भी उस लड़की के लिए राजी है और दोनों के अबू भी मानते हैं। मैंने हल्के से उस शख्स के आगे एक सवाल रख दिया कि अगर वो आपके और सिर्फ आपके लिए सीरियस हो मगर वो भी आपको छोड़कर बाकियों के साथ मजे कर रहे हैं, आपको चलेगा? उन्होंने चलते हुए बाइक से मुझे पलट कर देखा और कहा, भाईजान ये आप कैसी बातें कर रहे हो। मन तो बहुत था कि उनसे सवाल करूं लेकिन ये उनकी आपस की बात थी तो मैंने खैर जाने दिया। लेकिन ठीक उस सफर के बाद मेरे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होने लगे कि अगर एक लड़का हर वो चीज करे जो उनकी मर्जी हो वही एक लड़की करे तो वो गलत कैसे? कि अगर प्यार सच में हो तो कोई दूसरा या तीसरा कैसे भा सकता है? ठीक उसी वक्त मुझे ये बात समझ आई कि ये जो वफादारी को मैं सोने से नापतोल कर रहा था वो बाजारों में ठेरों में बिकता है। क्या इतनी सस्ती हो गई आज की वफादारी? क्यों लोगों को गलत करके भी चीजें गलत नहीं लगती? क्यों कोई इंसान इतना सहता है मगर फिर भी कुछ नहीं कहता? क्यों, क्या, किस लिए? सवाल बहुत है और जवाब मिले तो मुझे जरूर बताना। और अगली बार अगर आपके सामने कोई अपनी वफादारी को ढेरों में बेचने निकले ना तो उसे सोने का भाव जरूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।